गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इस सीरीज की चौथी फिल्म है, हाल ही में अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको मॉन्स्टर फिक्शन ऐसी सब कहानियां अच्छी लगती है तो ये फिल्म आपको बहुत मजे कराएगी डेफिनेटली। गॉडजिला एक जापानीज फ्रेंचाइज है जिसमें 1954 से अब तक 36 फिल्में बनाई जा चुकी है। इस फिल्म की कहानी में एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक कंपनी है जो मैकेनिकल गॉडजिला बना लेती है, जिसको दिमाग से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसको चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो प्राप्त करने के लिए किंग कॉन्ग का इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंतर्भाग यानी कि होलो अर्थ में जाना पड़ता है। उन लोगों का विश्वास होता है कि सभी मॉन्स्टर्स इसी होलो अर्थ से निकले हैं और उन लोगों को यहीं से ऊर्जा मिलती है, लेकिन मैकेनिकल गॉडजिला की वजह से असली गॉडजिला एपेक्स के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर देता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। एपेक्स का मालिक गलत दिमाग लगा के किंग कॉन्ग को होलो अर्थ भेजने के लिए एक टीम बनाता है जिसमें एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची है जो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है और कॉन्ग से इशारों से बात करती है। कॉन्ग भी उस बच्ची से बहुत प्यार करता है और जब ये लोग कॉन्ग को ले जा रहे होते हैं तब से जो धमाल शुरू होता है, एक मिनट के लिए भी आपकी नजरें स्क्रीन से हटेगी नहीं। स्टोरी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, खास करके तीन मैसेज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला ये कि इंसान को कभी अपनी हद भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, ताकतवर हो, लेकिन जीत अच्छाई की ही होती है। और तीसरा मैसेज जो पर्सनली मुझे बहुत ही फील हुआ, जानवर और इंसान का रिश्ता बहुत ही अटूट है। जानवर अपने फ़र्ज हमेशा निभाता ही है, अपनी वफादारी निभाता ही है, लेकिन इंसान बार बार यहाँ पर गलती करता है। VFX, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, लाइटिंग्स, प्रेजेंटेशन, सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। अगर आपने भी देख रखी है तो ज़रूर से बताना कि आपको कैसी लगी।